जनपद के गीडा थाना क्षेत्र के गाहासाड़ में ट्रेन से कटकर युवती की मौत हो गई। स्वजन ने कुछ लोगों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार गीडा थाना क्षेत्र के गाहासाड़ की रहने वाली 18 वर्षीय युवती 26 जुलाई को अपनी दो छोटी बहनों के साथ घर से निकली थी। कुछ देर के बाद घर पहुंची छोटी बहनों ने ट्रेन से कटकर बड़ी बहन की मौत होने की जानकारी दी। वहीं पूरे मामले पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने एक युवती के ट्रेन के सामने कूदकर जान देने का मेमो स्टेशन मास्टर को दिया है। मेमो के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, दिनांक 26/7/2021 को समय करीब 2:30 बजे दिन में स्टेशन मास्टर सहजनवा द्वारा मेमो भेजकर थाना गीडा को यह सूचना दी गई कि एक नवयुवती द्वारा मालगाड़ी के सामने आकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर थाना गीडा पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लिया। परिजनों को बुलाने के उपरांत शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और परिजनों ने उसका दाह संस्कार किया। आत्महत्या के कारणों के बारे में पुलिस पूरी गहराई से छानबीन कर रही है। सीडीआर तथा अन्य माध्यमों का अवलोकन किया जा रहा है। जिस तरह से भी कोई कारण निकल कर आता है उस पर कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।